नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। भारतीय संविधान के 75वें वर्ष पूर्ण होने पर 26 नवंबर से जहां सरकार की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, सरकार ने इसे इस स्मरण उत्सव के रूप में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान टैगलाइन के रूप में मना रही है। वहीं कांग्रेस की ओर से भी संविधान रक्षक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रम होंगे। इसे लेकर सियासी घमासान भी देखने को मिल रहा है। इसी पर चर्चा करें, उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम की आज राजधानी रायपुर में शुरुआत हुई। राज्य स्तरीय संविधान दिवस कार्यक्रम मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित हुआ। इसके तहत संविधान दिवस पर पदयात्रा का आयोजन किया गया। संविधान दिवस पदयात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मंत्रीगण और विधायक शामिल हुए। साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति गाँव में 15 दिवसीय संविधान यात्रा भी निकाली जाएगी। वहीं कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा के लिए 26 नवंबर 2024 से 26 जनवरी 2025 तक 60 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है। इस संविधान रक्षक अभियान में 5 प्रमुख विषयों को आम जनता के समक्ष उजागर किया जाना है। हर एक विषय के लिए 10 दिवसीय अवधि और 5 विषय निर्धारित किए गए हैं। संविधान दिवस पर पूर्व पीसीसी चीफ धनेन्द्र साहू का कहना है कि संविधान में एक व्यवस्था के तहत इमरजेंसी लगाई गई थी। इमरजेंसी में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई और देश में परिवर्तन आया। केवल उन नेताओं को तकलीफ हुई जो कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इमरजेंसी की तारीफ की थी। बीजेपी किस मुंह से इमरजेंसी का विरोध कर रही है? संविधान को आज बीजेपी क्षति पहुंचा रही है। डबल इंजन के कार्यकाल में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। आरक्षण, महिला आरक्षण दोनों समाप्त कर दें अगर इनका बस चले। धर्मनिरपेक्ष देश में धर्मनिरपेक्षता भी उन्हें बर्दाश्त नहीं है। लोग आलोचना कर रहे हैं कांग्रेस की संविधान के संबंध में कि उन्होंने इमरजेंसी लगाकर संविधान को नुकसान पहुंचाया, तोड़ा है। ये मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आज इमरजेंसी भी लगाई गई थी जिस समय वो संविधान में कहीं न कहीं व्यवस्था थी, उसी के तहत ही इमरजेंसी लगाई गई थी। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने वालों के मुख से संविधान की बात शोभा नहीं देती। कांग्रेस ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, अपने स्वार्थ के लिए अनावश्यक रूप से संविधान में संशोधन किए हैं। इमरजेंसी लगाकर लोगों की स्वतंत्रता का हनन किया और लाखों लोगों को जेल में ठूस दिया गया। अनावश्यक रूप से संविधान में संशोधन किए हैं, जो सन 1975 में इस देश में इमरजेंसी लागू किए और जो संविधान यहाँ की जनता को जो स्वतंत्रता दी थी उसका हनन किए। मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसमें भी सेंसर लगा दिए। बहरहाल बीजेपी सरकार का हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम और कांग्रेस के संविधान रक्षक अभियान के बीच देश और प्रदेश की जनता को तय करना है कि क्या वाकई संविधान को कोई खतरा है या एक महज सियासी जुमलेबाजी है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। स्वाभिमान वर्सेस रक्षक अभियान, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास पैनलिस्ट रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्री चंद सुंदरानी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, धनंजय सिंह ठाकुर हैं कांग्रेस प्रवक्ता, और गंगेश द्विवेदी जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले श्री चंद सुंदरानी जी, जिस तरह से ये जो यात्रा आप निकाल रहे हैं, जो अभियान आप चला रहे हैं मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, क्या व्यवस्था रखी गई है, क्या लोगों को जागरूक कराया जाएगा, क्या लोगों को इससे समझाया जाएगा या उन्हें जागरूक किया जाएगा, क्या पूरा मकसद है, रूपरेखा क्या है इसकी बीजेपी के शब्दों में? देखिये, निश्चित रूप से हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान एक 15 दिवसीय पदयात्रा के माध्यम से हम जन जागरण चलाएंगे और डॉक्टर बाड़ा साहब के संविधान की रक्षा हो, संविधान के रास्ते पे चले और भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण के पहले संविधान पे माथा टेक कर ही उन्होंने संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लिया।
कांग्रेस पार्टी लगातार भ्रम फैला रही, संविधान का कोरा बुक लेकर कहीं न कहीं जनता के बीच में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता ये बार बार आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान में संशोधन कर रही, जबकि 55 साल कांग्रेस देश में राज किया, कई बार संशोधन संविधान में किया। संविधान का मजाक तो उस समय उड़ाया जब देश में 1975 में आपातकाल लागू किया। जिस पार्टी ने आपातकाल लागू किया हो, संविधान का मजाक उड़ाया हो, लाखों लोगों को जेल में टूस दिया हो, वो संविधान रक्षा की बात करे बड़ी हास्यास्पद है। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में संविधान के मामले में भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करके कहीं न कहीं कुछ सीटें हासिल कर दिए, लेकिन आज उसका परिणाम देखने को मिल रहा है कि वो जनता का भ्रम अब दूर हो गया और जनता को यह विश्वास हो गया कि भाजपा ही संविधान की रक्षा कर सकती है। इसलिए महाराष्ट्र में जो लोकसभा चुनाव में हम 30 सीट में हार चुके थे, वहां पे हम 3/4 बहुमत के साथ, मतलब कांग्रेस मतलब आप अपना जो सीटें जीती थी, मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान आप इसलिए चला रहे हैं, इसलिए गांव गांव जाकर जागरूक लोगों को कर रहे हैं कि जो आपको डैमेज हुआ वो ठीक हो जाए। मैं तो ये सोच के बैठा हुआ था कि शायद आप लोग, हमारे देश की बड़ी विडंबना है कि 74-75 साल हो गए हैं देश को आजाद हुए, उसके बाद भी अगर लोगों को अपने मौलिक अधिकार नहीं पता, ये पहला शायद ऐसा देश होगा जिसमें से मैं कह रहा हूं 80% आबादी को शायद अपने पूरे मौलिक अधिकार नहीं पता होंगे। जागरूक ये करने की शायद कभी जहमत किसी सरकार ने उठाई नहीं या समझी भी नहीं। मैं सोच रहा था वो डैमेज कंट्रोल करने के बजाय जागरूक करने के लिए जा रहे हैं लोगों को। नहीं नहीं, जागरूक करने ही तो जा रहे, हमने वोट लेने नहीं, कांग्रेस आप नुकसान की बात क्यों कर रहे हैं, हम तो जनता को जागरूक करने, नहीं नहीं भ्रम फैलाने की बात अच्छा। तो की ना कांग्रेस पार्टी ने संविधान हाँ। एक कोरा संविधान की कॉपी दिखा दिखा के भ्रम फैलाने की बात की, तो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी वो भ्रम भी तो दूर करेगी। दूसरा, संविधान की जो धाराएं हैं, जो संविधान के बारे में जो हमारा गांव जो है अनभिज्ञ रहता है, उनको संविधान के बारे में बता भी रहे, दोनों काम कर रहे हैं ना, और संविधान का संशोधन किसने कितनी बार किया वो भी बता रहे हैं, आपातकाल में किस प्रकार संविधान का तोड़ मरोड़ करके पेश किया दीपक जी, वो भी बता रहे, जनता को बताएंगे कि किस प्रकार से संविधान को कांग्रेस ने मजाक उड़ाया। ठीक है, मतलब ये पार्टी राजनीतिक अभियान के रूप में भी अगर इसे देखा जाए तो कोई कोतूहल का विषय नहीं होगा, अगर इस चश्मे से भी देखें, क्योंकि आपने कहा इसमें 2-3 राजनीतिक पॉइंट आपने डाल दिए हैं। ठीक है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हैं तो इसमें से देखना ही नहीं चाहिए। नहीं नहीं, अब चूंकि इसलिए देखने, आपने पॉइंट डाल दिए, आपने इमरजेंसी का पॉइंट डाल दिया, आपने हमारे खिलाफ जो कांग्रेस ने भ्रम फैलाया था वो दूर करने वाला भी पॉइंट डाल दिया। ठीक है, अरे राजनीतिक पार्टी सर बनता है, इतना ये पॉइंट है ना, ये इन तथ्यों को दीपक जी कैसे मिटा सकते हैं? नहीं नहीं, इमरजेंसी जो लगाया कांग्रेस ने उसका पाप तो कांग्रेस को भोगना पड़ेगा। संविधान के मामले में संविधान बदल देगी भारतीय जनता पार्टी, ये नारा लोकसभा में चला है तो क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे? चिंगारी मैं कह रहा हूँ छत्तीसगढ़ से एक नेता से उठी थी सर, इसकी चिंगारी छत्तीसगढ़ के एक बीजेपी नेता के द्वारा ही उठी थी, इसके बाद उन्होंने उसका बेनिफिट पूरे देश में लिया, अगर मैं सही हूं तो। नहीं, उत्तर प्रदेश से उठी थी साहब, पर मुझे तो छत्तीसगढ़ से लग रही, छत्तीसगढ़ में ये स्टेटमेंट दिया गया था तब कांग्रेस के नेताओं ने। ठीक है, आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश होगा, हो सकता वहां पे भी किसी ने कुछ कहा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने दोनों ने मिलकर भ्रम फैलाया पूरे देश में। नहीं, फिर उसके बाद ये भ्रम फैला, समाज को भ्रमित करने का काम राहुल गांधी और ठीक है अखिलेश यादव जी ने किया। ठीक है, कांग्रेस के पास मैं जाऊंगा, जिस तरह से देखा जाए धनंजय जी आपकी उनकी तो चलो मैंने समझ ली कि उनकी यात्रा का मकसद क्या है और किस तरह से वो अपनी इस अभियान के जरिए लोगों को जागरूक करेंगे, आपका क्या मकसद है और आप किस नजरिए को लेकर या किस प्रारूप ब्लू प्रिंट क्या है आपका जो आप रक्षक अभियान चूंकि से कह रहे हैं तो किस प्रकार से रक्षक अभियान जनता के बीच में संविधान की रक्षा करने का जिक्र करेगा? आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया है दीपक जी जी, और इस जवाब की शुरुआत मैं दूंगा हमारे वरिष्ठ नेता हैं सुंदरानी जी जी, उन्होंने अभी एक बार दो बार तीन बार कोट किया कि राहुल गांधी संविधान की कोरा बुक को लेकर बात करते हैं। असल माने में क्या आपको पता है भदौरिया जी, आरएसएस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वो इस संविधान को कोरा बुक ही मानती है, क्योंकि वो इस संविधान का सम्मान नहीं करती, संविधान के मिले अधिकारों को जनता तक पहुंचने देना नहीं चाहती, इसलिए इनके मन में है कि संविधान का कोरा बुक
और जिसके पास ये सोच हो ना, आप समझ सकते हैं जो कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि संविधान बदलना चाहते हैं, और इसीलिए हम संविधान की रक्षा की बात करते हैं। और हम संविधान की रक्षा की बात क्यों करते हैं, इसका भी मैं आपको जवाब देता हूं। आप देखेंगे जिस समय संविधान देश में लागू हुआ, डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश के हर वर्ग के लिए मजबूत संविधान लिखा, जिसमें हर वर्ग के मौलिक अधिकारों की रक्षा है, स्वतंत्रता है, उनकी समानता है, भेदभाव को खत्म करता है, उसके अधिकार वहां पे लिखे गए हैं। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, ये संविधान में सब बराबर है। ये राष्ट्र धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, यह सभी धर्मों का सम्मान है, सभी धर्मों का यहाँ पे स्वतंत्रता है मनाने की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो पित्र संगठन है, वो उसी समय जिस समय संविधान की रचना की गई, देश को समर्पित किया गया, 26 नवंबर 1949 को याद करिएगा तारीख, ये संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने के महज के चार दिन बाद आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में संविधान की कठोर आलोचना आरएसएस के द्वारा किया जाता है। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और आज जो सरकार में उन्हीं लोग बैठे हुए हैं जब इनकी मनसा संविधान के खिलाफ उस दौरान थी। तो बीजेपी ने कहा, आरएसएस ने की ना वो खत्म करने की बात, अगर आप कह रहे हैं तो ये इनके तो पित्र है ना, ये उनके पित्र है, ऑफिशियली ऑफिशियली तो नहीं है ना सर, पुत्र है आरएसएस के, तो नहीं है ना, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा तय नहीं होता, नहीं ऑफिशियली तो नहीं है ना सर, यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कौन प्रदेश राष्ट्रीय बनेगा तय नहीं होता, सुन लीजिए ना, दूसरी बड़ी बात फैलाने का काम कर बोल दीजिए। धनंजय जी ने पुरानी बात निकाली, एक मिनट बोल दीजिए जी प्लीज, मैं बात करूंगा ना, मैं सवाल पूछूंगा उनसे। दीपक जी सुन लीजिए ना, अरे सुन तो लीजिए ना, सुंदरानी जी सामाजिक संगठन है आपका, मैं बोला सर, मैं बोल चुका हूँ सर, ऑफिशियल मैं बोल चुका हूँ, ऑफिशियल आपसे कोई कनेक्शन नहीं है उसका, ठीक है ठीक है, धनंजय जी बात रखिए ठीक है। अब उस ऑर्गेनाइजर जो इनके जो राष्ट्रीय इनके जो पत्रिका है मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसमें लिखता है संघ कि ये संविधान की कठोर आलोचना करता है, इसको देश के प्रमुख बताते हैं, संविधान विरोधी बयान देते हैं। उसके अलावा के सुदर्शन अप्रैल 2000 में आरएसएस के सर संचालक बनते हैं, भारत के संविधान को समाप्त करने की बात करते हैं, ठीक है, लगभग यही बात मोहन भागवत जी कहते हैं कि संविधान में बदलाव की वकालत कर्नाटक की सभा में करते हैं। आरएसएस के साथ साथ भाजपा के तमाम बड़े नेता, आपने पूछा ना भाजपा के नेता छत्तीसगढ़ में कहा था, मैं बताता हूँ भाजपा के कौन कौन लोग हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, कर्नाटक के 6 बार के सांसद आनंद हेगड़े, फैजाबाद के लोकसभा प्रत्याशी लल्लू सिंह, तेलंगाना के भाजपा सांसद अरविंद धर्मपुरी, नागौर के प्रत्याशी ज्योति मिर्गा और अनेक भाजपा नेता इस संविधान को बदलने की बात करते हैं, क्योंकि ये संविधान इस देश के दबे तो संविधान बदलने मतलब संशोधन होता ना सर, वर्ग को रक्षा करती है, उनको अधिकार देती है, और आरएसएस संशोधन विरोधी और भाजपा इन सबके विरोधी है सर, बदलने मतलब संशोधन ना, संशोधन अलग विषय होता है, आप किसी चीज में अमेंडमेंट कर रहे हैं, प्रारूप को बदलना और उसको संशोधित करना, बदलने की बात करते हैं, पूरी संविधान नहीं पूरा सब ऐसा उन्होंने बोला, पूरा संविधान बदलना करना, किसी धारा को समय अनुसार बदलना नहीं, संशोधन की अगर पूरे संविधान बदलने की बात करते हैं, मैं कहता हूं ना किसी धारा को या किसी कानून को समय के अनुसार उसमें संशोधित करना, हाँ उसमें बीजेपी संविधान को बदलना, ये इसलिए कह रहा हूं ना, ये इसलिए कह रहा हूं संजय जी, बीजेपी यही तो संशोधन की बात नहीं करती, ये संविधान बदलने की बात करती है, नहीं तो संविधान संशोधन होगा उस संविधान बुक के किसी एक कालखंड के एक विषय पर, और पूरे संविधान को बदलना मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पूरे संविधान को बदलने की बात आरएसएस भाजपा करती है, संशोधन होते आ रहे हैं, व्यक्तिगत राय होगी, बीजेपी ने तो बीजेपी ने कभी ऑफिशियली ऐसा स्टेटमेंट दिया क्या, संशोधित कर दिया है सर भाई, वही करते हैं मुख्यमंत्री दिया कुमार जी, कर्नाटक के 6 बार सांसद आनंद हेगड़े जी बोल रहे हैं, सर मोहन भागवत इनके संगठन के प्रमुख हैं, अब अगर सुदर्शन जी इनके प्रमुख रहे तो बीजेपी तो संशोधन करती है ना, पार्टी से संशोधन से क्यों डरते हैं, संशोधन से क्यों जनता पार्टी और संविधान, दिया कुमारी कौन है दिया कुमारी जी, कौन है दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के कौन है,
कभी नहीं कहा भारतीय जनता कौन है दिया कुमारी, कौन है आनंद हेगड़े, कौन है लल्लू सिंह और कौन है मोहन भागवत, कौन होते हैं मोहन भागवत और डॉक्टर अंबेडकर संविधान को बोलने वाले, कौन होते हैं सुदर्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के वाले, ये संविधान इस देश के दबे कुचले दलित लोगों को उसका संविधानिक अधिकार देती है। आपने देखा ना मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के ऊपर भाजपा नेता पेशाब कर देता है, ये संविधान के खिलाफ काम करते हैं। आपने देखा ना इसी नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जज प्रेस में आके जनता के बीच में बड़ी बात रखते हैं, क्योंकि संविधानिक काम कर रहे हैं। अरे बम तो मोहन भागवत ने फैलाया है, 400 सीट क्यों चाहिए आपको, संविधान बदलना चाहते थे। धनंजय जी ये कितना, बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। बोल दीजिए मोहन भागवत ने गलत किया, गलत बयान दिया, बोलिए बोलिए दिया कुमारी गलत बयान दिए, बोलिए आनंद हेगड़े गलत बयान दिए, बोलिए हाँ नहीं बोलिए कुमारी ने बयान दिया मैं उसकी निंदा करता हूँ, बोलिए यहाँ पे मैं तो कह रहा हूँ हाँ नहीं ये हाँ क्या है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों ना हो, नेता क्यों ना हो, नहीं नेता है क्यों नहीं नेता है, बोलिए मोहन भागवत जी का संविधान बदलने की बात करते हैं तो भाजपा उसकी निंदा करती है, बोलिए मैं आपके पास लौटूंगा, मैं आपके पास लौटूंगा, बोलिए मोहन भागवत जी ने संविधान बदलने की बात की है तो भाजपा उसकी कड़ी निंदा करती है, बोलिए कई कभी नहीं की, अरे कड़ी निंदा करिए क्योंकि आपको पता है आपके मन में जो पाप है जो संविधान बदलने की बात की है भारतीय जनता पार्टी उसकी निंदा करती है, धनंजय जी एक मिनट झूठ बोलते नरेंद्र मोदी, एक मिनट धनंजय जी एक मिनट बोलिए निंदा करिए, एक मिनट धनंजय जी आप कह रहा हूँ ना, बोलिए ना नाम लेके बोलिए, नाम लेके बोलिए मोहन भागवत के बयान की मैं निंदा करता हूँ, सर धनंजय जी दिखाइए, धनंजय जी एक मिनट दिखाइए, अरे धनंजय जी को किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी ना है, संविधान कैसे कर लेंगे, भाजपा के प्रवक्ता होते हैं उसे निंदा, अरे प्रवक्ता वो छत्तीसगढ़ के हैं सर, आप बोल रहे हैं आप किसी दूसरे राज्य की बात कर रहे हैं, कैसे वो माफी मांग लेंगे, कैसे बोल देंगे, नाम लेके बोलिए, उनके पास वो इस अधिकार क्षेत्र में आते ही नहीं है सर, उनसे बोलवा के होगा क्या, बदलने की बात बदलने का, रही बात आरएसएस की, के सुदर्शन, अरे तो मोहन भागवत सर दिया कुमारी हो आनंद हेगड़े, अरे तो मोहन भागवत के सर, मोहन भागवत ने कहा तो ये निंदा क्यों करेंगे सर, जब ऑफिशियली तौर पे वो कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे, इनके पितृ संगठन के प्रमुख हैं, पितृ संगठन से ऑफिशियली तौर पर जब उनके कहने पर भाजपा के लोग दंगे कर जाते हैं, भाजपा के लोग हिंदू मुस्लिम उनके करने पर ये दलित तो ये उनके पितृ संगठन है, धनंजय भागवत धनंजय जी कितना भी इस देश में बड़ा हो लेकिन इमरजेंसी जितना बड़ा काला दिन कभी नहीं रहा, इमरजेंसी जैसा संविधान संविधान आरएसएस के प्रवक्ता नहीं है तो मोहन भागवत के बयान का आपने खंडन कैसे कर दिया, बोल दिया बयान नहीं दिया है आपको, ये कहा कि जो जो वो कह रहे हैं जी के प्रवक्ता नहीं है तो उनके द्वारा बयान की बात कैसे दिए, वो भारतीय जनता, ठीक है मुझे गंगेश जी प्लीज आप दोनों प्रवक्ता, गंगेश जी जिस तरह से यहाँ पे संशोधन की बात होती रही हो, संशोधन पे भी बवाल होता रहा है, हर पार्टी ने संशोधन किया अपने अपने रूप से, राजनीतिक चश्मे से ये जनता के लिए भला बताया पर राजनीतिक रूप से अपने अपने हिसाब से सरकारें संशोधन करती रही हैं, और अभी तक अगर बात करें तो 80 बार बीजेपी से कहीं गुना ज्यादा बार कांग्रेस ने संशोधन किया है, नेहरू जी की सरकार में 17 बार, इंदिरा गांधी ने 40 बार, और यहां तक कि उन्होंने पहली बार धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जोड़े थे जब संशोधन करके उसमें देखा जाए तो, अब देखें अब कांग्रेस की सरकार आई, यूपीए की सरकार आई तब 6 बार, जब राजीव गांधी की सरकार आई तब 11 बार, ऐसा संशोधन करने के वही बीजेपी सरकार करती संशोधन करती, इतने हा हुल्ला मचाने की इतने करने की जरूरत क्या है, और रक्षक कहां भक्षक, ये तो इतने पाक साफ हो जो कि आप ये कहो, आपने तो वो काला दिन भारत देश को दिखाया कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती आज भी, बिल्कुल सही कह रहे दीपक जी आप, हमारे पुरखों ने जो संविधान लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उसके अलावा 300-350 सदस्य थे जिन लोगों ने पूरी दुनिया के संविधानों का अध्ययन किया, और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारा संविधान, उसके बाद उन्होंने इसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए कि भविष्य समय के साथ संविधान में जिन क्लॉज को जोड़ना है उसके लिए उन्होंने संशोधन की भी प्रक्रिया उसमें दी, और ये एकदम वैज्ञानिक, मुझे लगता है कि अपने देश का संविधान बहुत ही वैज्ञानिक संविधान है, मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी इसमें जोड़े गए हैं, तो मुझे लगता है इसमें संशोधन इसलिए भी जरूरी है कि समय के साथ बहुत सारी चीजें बदलती हैं,
बिल्कुल सर, तो जब ये प्रावधान इस संविधान में है, उस संविधान को पूरी तरह से बदलने के बारे में मुझे लगता है किसी भी पार्टी को नहीं सोचना चाहिए। और बल्कि अगर लोगों को जानकारी नहीं इस बात की, अगर इस बात को लेकर जैसे भाजपा अभियान चला रही है कि गांव गांव जाके लोगों के मौलिक अधिकारों की जानकारी देना, ये वाकई में जरूरत है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जिनको हालांकि स्कूलों में पढ़ाया जाता है, छठी कक्षा के बाद से पढ़ाया जाता है संविधान के मौलिक व्यक्ति के अपने मौलिक अधिकार और व्यक्ति के कर्तव्य, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी हमारे लिटरेसी इतनी अधिक नहीं है, सिर्फ पाठ्यक्रम तक सीमित है देश की, कि बहुत सारे लोग इसकी जानकारी नहीं है जी, पाठ्यक्रम तक ही सीमित है। तो प्रैक्टिकली उन लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताना कोई गलत चीज नहीं है, उसको बताना ही चाहिए। और बदलाव की बात हो सकता है कांग्रेस को इस बात की आशंका हो, लेकिन इस बात को क्लियर करना चाहिए कि संविधान को पूरी तरह से बदला नहीं जाना बहुत ही कठिन काम है, इतना आसानी से उसको बिल्कुल सही संविधान हटा के दूसरा संविधान कर पाना आज के समय में आपको समिति गठित करना पड़ेगा, फिर सदस्य बनाने पड़ेंगे, एक पूरी 2.5-3 साल की प्रक्रिया होगी जी, वो करना बहुत कठिन काम है। मुझे नहीं लगता कोई सरकार ऐसा करने की कोशिश भी करेगी, ठीक है, जब इतने फ्लेक्सिबल संविधान हमारे पास है संशोधन के बहुत सारे रास्ते हैं जी। ठीक, सुंदरानी जी थोड़ा सा जवाब आप सभी प्रवक्ताओं से उम्मीद है कि थोड़े थोड़े रखिएगा तो सबकी बारी आ जाएगी, अन्यथा फिर उलझ के रह जाएगा, ये डिबेट यहीं खत्म हो जाएगी। सुंदरानी जी बिल्कुल, ये जो धनंजय जी ने कही कि इस देश में ये भी दिन कभी नहीं आया कि जब कुछ जज लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, और आजकल ये हर लाइन और राजनीतिक पार्टियों की सभी विपक्ष पूरा एक है सिर्फ आपके ये कहने के लिए कि आप लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, हर एक सेक्टर में ये चीज की आखिर क्यों इतना, क्या आप ऐसा बदलाव कर रहे हैं कि विपक्ष तो छोड़ो कुछ जनता के विषय विशेषज्ञ भी इस चीज का कह रहे हैं कि भारत के इतिहास में ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि जब ऐसा लग रहा हो कि वाकई लोकतंत्र खतरे में है। देखिए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 11 साल से सरकार में है केंद्र में, और एक भी ऐसा काम नहीं किया जो डॉक्टर बाड़ा साहब आम्बेडकर जी के लिखे संविधान के विपरीत हो, जबकि कांग्रेस का स्वयं का इतिहास, इंदिरा जी ने 40 बार संविधान संशोधन किया, आप ही के चैनल पे अभी हमें बताया गया। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संविधान का जो ये हवाला देते हैं, ये ईडी और इनकम टैक्स की बात करते हैं, सीबीआई की बात करते हैं, निश्चित रूप से इन्होंने 55 साल में सत्ता में रहते हुए इतने काले कारनामे किए हैं, देश को बर्बाद कर दिया, देश को की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, देश हर मोर्चे पे विफल रहा, बिल्कुल बर्बाद किया संविधान में सर। संशोधन आपके संशोधन संशोधन है, उनके संशोधन गलत कैसे हो गए सर, आप भी कह रहे हैं। नहीं नहीं, इन्होंने आपातकाल लगाया, आपातकाल का इन्होंने जो लगाया, लाखों लोगों को बिना बिना किसी आरोप के अंदर कर दिया, बिना आरोप पत्र, बिना अदालत अदालत के संविधानिक अधिकार छीन दिए, राहुल गांधी ने उसके लिए माफी भी मांगी थी, संविधान को मजाक नहीं उड़ाया इन्होंने, राहुल गांधी ने उसके लिए माफी मांगी थी, क्या वो गलत था, गलत हुआ था, वो लाखों लोगों की जिंदगी वापस आएगी क्या, बिल्कुल नहीं आएगी, दो दो साल जेल में बिना कोई अपराध किए, बिना कोई कारण, बिना अदालत में, बिना जमानत के दो दो साल अंदर रहे, वो उनकी जेल वापस आ जाएगी क्या राहुल गांधी, बिल्कुल सही, पर इमरजेंसी का राग आलाप के हम कब तक चलते रहेंगे सर, कब तक अपनी चीजों को छुपाते रहेंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आप इसको भुनाते रहेंगे, बिल्कुल। चलिए ठीक है, आप खुद ही मुझसे स्वीकार रहे हैं। धनंजय जी, मेरा सवाल पहले जो आपसे था वो आपने उस चीज का जिक्र नहीं किया, आप थोड़ा इधर उधर चले गए, मेरा सवाल ये था कि उन्होंने जिससे उनकी मंशा थी कि लोगों के बीच जाना क्यों है, आप इस यात्रा निकाल रहे हैं उसके बीच आपका मकसद क्या था जाने का, ये जानना, आप इधर के उधर निकल गए थोड़ा सा, तो ये आपकी मंशा है वाकई क्या, वही चीज जो उनकी है वैसी राजनीति, मैं तो आपको बताया ना, ये हमेशा इधर से उधर ही चले जाते हैं, अरे सर क्यों आप इधर सुन, मैं तो आपको बता दिया ना, क्योंकि जिन जी जी मैं तो आपको वही जवाब दिया, जिनके पार्टी के पितृ संगठन की मंशा इन संविधान के, वही बात पे आ रहा है, सुन लीजिए ना भाई, ये देखो मैं अरे ये लोकतंत्र के हत्या कर रही बैठ के, मेरे मौलिक अधिकार को छीन रहे, ये सदन थोड़ी ना आपका, या नरेंद्र मोदी की दादागिरी थोड़ी चलेगी, ये तो मजाक बना दिया इन्होंने डिबेट, ये देखो सुन लीजिए ना बोला, यही लोकतंत्र विरोधी है, हो सकता इनकी बात मैंने सुना, मजाक बना दिए, ये लोकतंत्र की हत्या ऐसी करते हैं सर, हो सकता उनका ऐसी लोकतंत्र की हत्या करते हैं, लोगों को बोलने का अधिकार बात रखने का होता है, आरएसएस है क्या, तो मैं अपनी बात का, मैं आरएसएस का नाम लेकर पेट में तकलीफ क्यों हो रहा है,
आरएसएस का नाम ले लो, इनके पेट में तक नहीं हो रहा है क्या? इनके चिल्लाने से मोहन भागवत का पाप छुप जाएगा? क्या इनके चिल्लाने से मैं भी ये कह रहा था संघ का पाप छुप जाएगा? क्या इनके चिल्लाने से संघ का पाप छुप जाएगा? आपके देखिए धमकी दे रहा है आपको, आपको धमकी दे रहा है, डिबेट मत दिखाओ। मैं समझ रहा हूँ ऑफिशियली, ऑफिशियली तौर पर मैं आपका साइड लिया। दादागिरी देख लीजिए कि आप दाना साइड रख लीजिए। सुंदरानी जी ऑफिशियल तौर पर मैं आपका किया साथ दिया कि आरएसएस आपसे जुड़ा नहीं ऑफिशियली तौर पर, लेकिन है तो सर इनकी दादागिरी तो सर मीडिया को बोल रहे मत दिखा, मतलब इतना अहंकार इतना घमंड, ये तो संविधान बदलना चाहते हैं। आप भी मुस्कुरा के स्वीकार रहे हैं कि है तो सर ये डिबेट को नहीं नहीं डिबेट को गलत दिशा में ले जा, ये देखो मोहन भागवत की निंदा करो, प्रवक्ता नहीं हूँ, अब स्वयं से बोलते हो खुद भाजपा के प्रवक्ता बन जाते हो। अरे कितने रूप धरोगे यार, बहुरूपिया हो क्या? या तो भाजपा ही बन जाओ या संघी बन जाओ, बहुरूपिया हो क्या? कभी हाफ पैंट पहन लेते हो, कभी कुर्ता लगा लेते हो? मुझे ऐसा लगता है सुंदरानी जी ने समय देख लिया है कि पांच मिनट दिखाते हो, सुंदरानी जी ने घड़ी देख ली है, बोला पांच मिनट ऐसे ही निकालने। मालूम है ना, यही तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं सदन में, सदन में संविधान की ठीक है, मीडिया पे हत्या, लोकतंत्र सुंदरानी अभी बोलते हैं मैं स्वयं संघी हूँ, फिर कुर्ता पहन के भाजपा में ले जा रहे, यही तो चाहते नहीं है ना? ठीक है, यही बहुरूपियापन है, ठीक है, पहली डिबेट ऐसी है, भाजपा ही बन जाओ। अरे फिर बोल रहे संघी बोलता है, कभी भाजपा ही बोलता है, कभी हाफ पैंट पहन लेते हैं, कभी कुर्ता लगा लेते हैं, अजीब स्थिति है सर। ये पहली डिबेट ऐसी है, मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हो, चलो आप संघी हो, मोहन भागवत ने जो संविधान बदलने की बात के समर्थन करते हो, भाजपा नहीं की, आपका आप संघी हो ही नहीं, मोहन भागवत ने बड़ी सभा कर्नाटक में किया है, मतलब आप संघी नहीं हो, कर्नाटक की सभा जहाँ गंगेश जी का लास्ट संघी। इस वक्त देश को वाकई संविधान दिवस के रूप में जो इसे मनाया जा रहा है बहुत अच्छी पहल है। मुझे तो लगता है कि जो जिस प्रकार से इवेंट जो आज किए गए हैं, जिस प्रकार से आज बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, इसकी जो जागरूकता है, इसकी जो लोगों तक पहुंच है, वो शायद हर दिन बढ़ानी चाहिए, सिर्फ एक दिन को मनाने के बजाय हर दिन संविधान को लोगों तक नजदीक लेके जाना चाहिए, जिससे लोग अपने संविधान के प्रति जागरूक हों और अपने मौलिक अधिकार जाने। निश्चित तौर पर अपने हमारे देश का संविधान, मुझे लगता है कि इस देश में सबसे पवित्र अगर कोई ग्रंथ है तो वो भारत का संविधान है। बिल्कुल, संविधान की जानकारी वैसे ही लोगों को पता होना चाहिए जैसे घर में रामायण गीता या कुरान होता है। मुझे ऐसा लगता है इतना प्रचार होना चाहिए संविधानों का कि हर घर में इस बात की जानकारी लोगों को रहे कि हमारे अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है। दूसरी बात, एक चीज में संग्रामी का करेक्ट करना चाहूंगा, इमरजेंसी की भले वो गलत या सही हो सकता है फैसला, लेकिन इमरजेंसी की व्यवस्था भी संविधान में है। जो समय इमरजेंसी लगाई गई थी तो संविधान के नियमों के अंतर्गत ही लगाई गई थी सर, पर उसमें गलत या सही इस पर एक डिबेट हो सकता है, पर जी उसमें कंडीशंस संविधान इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, ऐसे संविधान को बदलने के बारे में सोचना भी नहीं। मैं एक सेकंड चाहूंगा दीपक जी आपसे, एक सेकंड चाहूंगा टोटल। संविधान में इमरजेंसी की व्याख्या हो सकती क्या? दो साल बिना किसी आरोप के, बिना किसी गुनाह के, बिना जमानत, बिना कोर्ट के जेलों में ठूस देना, ये संविधान इजाजत देता है हमारे भारत का? इमरजेंसी की है सर व्यवस्था, इमरजेंसी की है, ऐसे हालात की नहीं है। लगा रखे नरेंद्र मोदी जी, मीडिया सवाल पूछ रहे हैं, वो हालात पैदा कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी तानाशाही चला रहे हैं, भाजपा भीमराव अंबेडकर जी के लिखे संविधान के अधिकारों का समय समय समाप्ति हो रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। 11 साल से घोषित समय हो गया है, दलितों को जेल, ओबीसी को जेल, समय हो चुका है, माफ कीजिएगा, मैं डिबेट को आगे नहीं ले जा पाऊंगा, मैं को आगे नहीं ले जा पाऊंगा, पूरी डिबेट न्यायालय भी उसमें आके जज को आगे बोलना पड़ा कि प्रेस वार्ता में समय समाप्त हो चुका है। तानाशाह है क्या? माफ करिएगा, मैं इस डिबेट को आगे, तानाशाह डिक्टेटरशिप कर रहा है, नरेंद्र मोदी में दम नहीं है डानी के भ्रष्टाचार पर बोलने की, ठीक है, विपक्ष को चुप कराते हैं, कैसा देश का प्रधानमंत्री है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी आपका, गंगेश जी आपका, पूरी डिबेट अगर देखें तो उसमें सुंदरानी जी मुस्कुराते रहे, अब जाके सीरियस हुए जाके जब डिबेट खत्म होने पे आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से पूरे देश में
एक तरफ जहां पर कांग्रेस है और एक तरफ बीजेपी है, दोनों ही अपने अपने राग संविधान को लेकर अलाप रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में दोनों ही अभियान चलाने के लिए, लेकिन जनता की सहूलियत के लिए, जनता तक कैसे संविधान, उनके अधिकारों तक लोगों को जागरूक किया जाए, वो कम नजर आया। हाँ, अपने अपने अभियान के अपने अपने तरीके हैं और अपने अपने उसके पीछे छिपी मंशा है वो साफ नजर आई। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।